तुम सच में तुम्हारे पति ने किससे बात कर ली थी? मैंने आपको बता दिया, सच कैसे बताऊंगा? और बात कैसे करूंगी? किससे बात कर रही थी? आप कॉल में देखो मंसूर, मुर्गी वाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं ना मैं बहुत कुछ कर दूंगी, मैं सिर्फ पूछ रही हूं किससे बात कर रही थी, इतना बता दो खाली मुझे। हेलो फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज देना है बेगम को सबक, क्योंकि आपके भाई पे बहुत शक हो रहा है। जब भी किसी से बात करो तो बेगम कान लगा के सुन रही होती है, मेरी टोंए ले रही होती है। आज बेगम को बहुत परेशान करना है और इसको सबक देना है कि अपने मियाँ पे हर वक्त शक नहीं किया जाता। बेगम सो रही है उस कमरे में और अब करूँगा मैं एक फेक कॉल। बेगम मेरी आवाज़ सुन के ज़रूर आएगी और बार बार आता रहूँगा, आप सबको हंसाता रहूँगा। A few moments later. हाँ सोना, क्या कर रही हो? मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं? हाँ बेफिक्र रहो, चलेंगे ना घूमने, हिरन करवाएंगे, कपड़े वपड़े दिलवाएंगे आपको। अरे क्यों भाई, रोज थोड़ी मिलने आ सकता हूँ आपसे, सारा दिन तो कभी भी नहीं आ सकता। मेरी बेगम एक नंबर की देन है, मरवाओगी क्या मुझे, तलाक करवाओगी क्या मेरा? रोज तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती, सिर्फ वो भी 20 मिनट के लिए। बार बार वीडियो कॉल करती है मुझे, चुड़ैल है वो एक नंबर की। पागल हो गई हो क्या? नस वस काट के क्या फायदा होगा? अभी तो हमारा शुरू हुआ, अब नसे काटना शुरू हो गई। ऐसे थोड़ी चलेगा, 3 दिन भी नहीं चलेगा हमारा तो ऐसे। नहीं नहीं, इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। मेरी बेगम डैन है, पहले मुझे मार देगी फिर तुम्हें मार देगी, तो क्या फायदा होगा? ना टेंशन लो ना मुझे दो। 10-15 मिनट तो समझ में आती है रोज, लेकिन रोज आके 4-5 घंटे कैसे मिलूंगा आपसे? नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी आप बेफिक्र हो जाओ, हाँ छोड़ देंगे उसको, अभी एकदम कैसे छोड़ेंगे, मैं तो खुद तंग आ गया जल्दी शादी करके। नहीं नहीं ये तो काम मुश्किल है, अभी अभी तो वो सो रही है उधर, उसने कब उसको क्या पता क्या सुना उसने। नहीं कल नहीं, कल तो मुश्किल है, परसों इंशाल्लाह। अच्छा नस नहीं काटो, ये कोई काम नहीं है करने वाले, कल परसों देखते हैं, टाइम निकालते हैं आपके लिए। बेफिक्र हो जाओ, आप आएंगे और फिर इंशाल्लाह जाएंगे घूमने फिरने, शॉपिंग वगैरह करेंगे, खाएंगे पियेंगे, याशी करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं करो भाई, और मैं तुम्हारा नंबर भी जो है ना किसी मंसूर मुर्गी वाले के नाम से सेव करूंगा, मैसेज मत किया करो, मुझे बार बार चेक करती है मेरा मोबाइल को। मैं क्या पता कितनी शक्की हो रहा था मेरी बेगम। चलो देखते हैं बाद में क्या बनेगा हमारा, उससे पहले बेगम को पता लग गया ना तो मकबरा ही बन जाएगा हमारा, और कुछ भी नहीं बनेगा। नो 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 नो। हाँ मैं करता हूँ मंसूर तुम्हें बात, अभी तुम। हाँ मैं करता हूँ, 2 मिनट रुको मंसूर। मैं बता रही हूँ किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। इतनी रात में कौन सा दोस्त है भाई? दोस्त है मंसूर, तुम तो दिखाओ ना किससे बात कर रहे हो आधी रात में। अरे फोन में अपने दोस्त से बात कर रहा था, मुझे इसमें से कुछ भी डिलीट हुआ ना? क्यों डिलीट होगा? तो मुझे फोन दिखा दो, फोन ही है ना मेरे पास, कॉल नहीं है ना, तो फोन दिखाओ मुझे। दिखाता हूँ आपको फोन, दिखाओ मुझे और अभी दिखाओ मुझे फोन।
मैं मंसूर से। कौन मंसूर? दोस्त है मुर्गी वाला। झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ बिल्कुल मत बोलो, मैंने सब सुना। क्या सुना आपने? क्या जो तुम बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? लड़का बन के बात करूंगा, शक नहीं होगा, और मेरी बीवी डायन है। हर वक्त आप शक करती हो। शक किससे बात कर रहे थे? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं। कॉल में देखो क्या नाम है उसका। इसमें जाए तुम्हें तो नाम चेंज करके तो नाम बात करी है ना तुम्हें तो मेरा तुमने कानों में सुना है तुमने बोला है। मैं तो मुर्गी वाले से ही बात कर रहा था। तो मुझे सच नहीं बताओगे कि तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने आपको बता दिया, सच कैसे बताऊंगा और आपको? आप कॉल में देखो मंसूर मुर्गी वाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं बहुत कुछ कर दूंगी, मैं सिर्फ पूछ रही हूं किससे बात कर रहे थे। मैं उसी से मंसूर से ही बात कर रहा था। आप मुझसे कैसी बात कर रहे थे कि तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा और तुम मेरा तलाक करवा दोगी, मेरे घर में पंगे करवा दोगी और नस काट लूंगा? ऐसी तो कोई बात ही नहीं। मैंने आपके तारे से सुनी है यहाँ खड़े होकर? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा ना, मैंने सुना है ना बोला है किसी को? आपने कहाँ से सुन लिया? देखो झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है। शक का कोई इलाज नहीं। मैं शक बाद में करती, जब मैं नहीं सुनती ना तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेती, लेकिन मैंने अपने कानों से यहाँ खड़े होकर सारी बातें सुनी है तुम्हारी। तो मुझे अभी सच सच बता दो, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूँ ना। क्या बात? मुझे देखो, मुझे परेशानी करो, मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ किससे बात कर रहे थे? मैं आपको बोला मंसूर से ही बात कर रहा हूँ। तुम नहीं बताओगे सच? नहीं, मैंने आपको यही बता दिया। नहीं बताओगे सच? फिर सच बता दे। इस फोन से बात कर रहे थे? हाँ। ये फोन ही नहीं रहेगा, ये फोन ही नहीं रहेगा। क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो तुमने ऐसा? क्यों कर रहे हो? क्या चाह रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैं मंसूर से ही बात कर रहा था। तुम मंसूर से बात नहीं कर रहे थे? देखो मैंने सब सुन लिया है, मैंने यहाँ को सब बातें तुम्हारी सुनी है, मैंने एक 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 बात सुन ली तुम्हारी। क्या सुना आपने? जो तुम बातें कर रहे थे। पता नहीं आपने क्या सुना। तुमने जो बातें की है ना वो सब मैंने सुन ली। कब से चल रहा है? कौन है? अरे कोई नहीं है भाई, किसने बोला? यार तुम नहीं बताओगे कौन है? नहीं बताओगे कौन है? मैंने आपको बता दिया। बस मैं उठा के जा रही हूँ बेटी को, ठीक है ना? मैं शक्कर को तरसा दूंगी बेटी को, बेटी के लिए भी। और जो भी करना है, जिसे बात करनी है ना, अब करता रहे, ठीक है ना? क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी गलती और इतनी बड़ी गलती मैंने करी। नो 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 सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत सुन लिया। मैंने ये सुनने में भी तो गलती हो सकती है। आप सोच रही हो यार, तुम यही हो? ये नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी अभी तक
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ अपने घर में सुना, अगर मैं नहीं सुनती ना तो मुझे कुछ यार ऐसा कुछ है ही नहीं जगह। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सुन रहे हो। रो तो नहीं यार, रो क्यों रही हो? देखे फ्रेंड, एक मजाक मेरे गले लग गया, एक तो मोबाइल टूट गया, दूसरा बेकार हो रही है। ये देखें, ये मेरा मोबाइल फारिग कर दिए और हल्का सा प्रैंक मेरे गले आ गया, तो बेगम भी बेचारी रो पड़ी। ये हल्का सा मजाक था आपको, आप जो शक करती हो इतना, मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मेरे पीछे लगी होती हो, कान लगा के सुन रही होती। चलो बस करो, ये मजाक था हल्का सा आपको सबक देने के लिए। सही सही मजाक किया तुमने, हा? अच्छा मजाक किया तुमने, ये वाला मजाक ज्यादा अच्छा हुआ। मैं ये मोबाइल को कैसे किया, तो अच्छा हुआ ना हुआ ना मोबाइल ना, तुम कर लो किसी से बात। किसी से बात नहीं कर रहा था, मजाक था, गले आ गया मेरे। सही, बिल्कुल सही हुआ ये मजाक तुम्हारे साथ ना, बिल्कुल सही हुआ। अब इसको बात करके देखो, ये प्रैंक तो मेरे गले आ गया, एक तरफ बेगम नाराज हो गई, दूसरी तरफ मेरा मोबाइल टूट गया। बहुत मुश्किल साबित हो गई है, क्योंकि ये अब बनेगा भी नहीं। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का कुछ करता हूँ, फिर आपसे मिलूँगा।